आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ के अंपेयर मालूम हो तो उससे हम उसके वाट कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल डीसी के लिए करूँगा और उसके बाद फिर मैं एसी के लिए एक एग्जांपल करूँगा। अब मैं ये ख्याल कर रहा हूँ मेरे पास मेरा कोई भी डीसी लोड है और वो करंट ले रही है, 10 एम्पेयर करंट ले रही है और वो 12 वोल्ट बैटरी के साथ लगी, मतलब उसका वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट। तो वाट किसके बराबर है, वाट बराबर है आई को मल्टीप्लाई कर देना है वी से, मतलब इन दोनों को आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करूँगा, आई कितना है, 10 मल्टीप्लाई 12, ये कितना बन जाएगा, 120 वाट। तो डीसी के लिए तो बड़ा सिंपल हो गया, अभी इसी तरह आगे मैं एसी के लिए करने लगा हूँ। अगर हमारा लोड एसी हो तो हमें उसके वाट मालूम करने के लिए अम्पेयर के साथ साथ हमें उसका पावर फैक्टर भी पता होना चाहिए। जैसे कि अब मैं ये ख्याल करूँ मेरा कोई एक लोड है, वो 5 एम्पेयर करंट ले रहा है, करंट उसका कितना है, 5 एम्पेयर है, वोल्ट कितना है, क्योंकि वो मैं अब ये ख्याल करूँ एसी लोड है तो वो उसका वोल्ट कितना होगा, 211 में लगा हुआ अगर सॉकेट में तो 220 वोल्ट हो गया। तो और अब ये है कि आगे पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर कितना है, अगर एक तो ये है कि अगर पावर फैक्टर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो तो हम वहाँ से डायरेक्ट नोट कर लेंगे, अगर हम अगर वो नहीं लिखा हुआ तो अगर हमारे पास मीटर है तो हम पावर फैक्टर मीटर से उसका जो है पावर फैक्टर मेजर कर लेंगे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर हम एक अंदाजे से उसकी वैल्यू डाल देंगे। नॉर्मली इसकी वैल्यू 0.7 या 0.8 या 0.9 होती है, तो इस जो इस एग्जांपल में मैं अभी इसकी वैल्यू 0.8 ख्याल करूँगी, मैं ये ख्याल करूँ कि जो मेरा लोड है वो इस टाइम 0.8 पावर फैक्टर पे है, तो उसका पावर फैक्टर हो गया कितना, 0.8। तो वाट के लिए क्या फार्मूला है, वाट बराबर है आई क्रॉस वी यहाँ मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साथ पावर फैक्टर एक फालतू, उस जो डीसी के केस में सिर्फ इतना फार्मूला था आई क्रॉस वी, तो इसमें साथ क्या होगा, एक पावर फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 220 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.8 से, तो ये मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 5 × 220 × 0.8, तो ये बनता है मेरे पास 880 वाट। इसी तरह अगर आपने इसको किलो किलो वाट में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 880 को सिर्फ 1000 से तकसीम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.88 किलो वाट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।